हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 16 ऑफ क्लास 8 साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। वी विल टॉक अबाउट द स्टार्स एंड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? द यूनिवर्स इंक्लूड all the stars, planets and galaxies and its size is unknown. However, there is a spherical region of the universe that can be observed from the earth which is called the observable universe. Hamare universe mein bahut sare objects paaye jaate hain jaise ki stars, planets, galaxies aur iska size abhi tak unknown hai. We don't know how much big it is. ओके, लेकिन अगर हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें स्फेरिकल रीजन दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कंप्राइजेस डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट अकर नेचुरली ऑन देयर ओन। तो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पाए जा रहे हैं, हमें देखने को मिलते हैं, और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। तो इन्हीं नेचुरल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो भी आप सूरज को देखते हैं, चांद और सितारों को, और जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, या उसके अलावा जो भी है, जो भी आपको कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटियोर्स, ये सारे कुछ देखते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज। Now I'll talk about the term astronomy. Astronomy क्या होती है? Astronomy क्या है? Study of celestial object. जब हम celestial object और उससे related phenomenon को पढ़ते हैं तो उसकी study को हम क्या बोलते हैं? Astronomy. It is said to be one of the oldest sciences in the world. ये कहा जाता है कि ये दुनिया की पुरानी science में से एक है, मतलब बहुत पहले से इसको study किया जा रहा है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन और उनके फॉर्मेशन को भी हम इस एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। एंशियंट टाइम में, पुराने दिनों में, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते थे वो स्काई में देखकर, आसमान में देखकर और चीज़ों को ऑब्जर्व करके, रात में ड्यूरिंग द नाइट ऑब्जर्व करके, वो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद क्या करते थे? कैलेंडर्स प्रिपेयर करते थे, और दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड द रेनफॉल पैटर्न। और इन सारी चीज़ों को देखकर, सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करके, ये क्लाइमेट को भी प्रिडिक्ट कर लेते थे और रेनफॉल के पैटर्न को भी बताते थे। और इनकी जो इंटरप्रिटेशंस होती थी उसे फार्मर जो है वो सही समय पर सही क्रॉप्स उगा पाते थे, और उन इंटरप्रिटेशन से लोग ये भी डिसाइड करते थे कि कौन सा फेस्टिवल कब आएगा और उन कौन से सीज़न में कौन सा फेस्टिवल आएगा और उनको कैसे हमें मनाना है। Nowadays there are computers that help in methodological observation of the sky. अब कंप्यूटर से हम स्काई की स्टडी करते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं, और ये कंप्यूटर से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। Now I'll talk about the moon. We know that the moon is a natural satellite of the earth. Moon जो है वो earth का one and only natural satellite है, जो earth के चारों ओर एक fixed orbit में revolve करता रहता है ना। You know that the moon revolves around the earth in a fixed orbit. Just like the earth, other planets of the solar system also have their own moons or natural satellite. अर्थ की तरह ही जो हमारे सोलर सिस्टम के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके पास भी अपने नेचुरल मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ऑल्सो द मून डज नॉट एमिट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। मून जो है उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, बल्कि ये चांद जो है वो सन की लाइट से
ब्राइटन अप होता है और सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ही चमकता हुआ दिखाई देता है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द पार्ट ऑफ द मून दैट फेसेस द सन गेट्स टू लिट अप व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स इन द डार्क. जब मून अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा होता है तो मून के जिस सरफेस पे सन की लाइट पड़ती है वो हमें लाइट अप दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, और जो साइड सन के अपोजिट में होती है तो वो हमें डार्क दिखाई देती है. दिस रिजल्ट इन डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द स्काई, और इस वजह से आपको आसमान में मून के अलग अलग शेप दिखाई देते हैं. द शेप ऑफ द लिट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड अ फेजेज ऑफ द मून. जो चमकता हुआ पार्ट हिस्सा होता है मून का उसके शेप को हम क्या बोलते हैं, फेजेज ऑफ द मून. तो अब यहाँ पर हम फेजेज ऑफ द मून की बात करेंगे. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फेजेज ऑफ द मून. द फेजेज ऑफ द मून रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर एवरी 29 डेज. ये जितने भी फेजेज होते हैं मून के वो खुद को रिपीट करते हैं हर 29 डेज के बाद. देर आर 8 मेजर मून फेजेज, 8 मेजर मून फेजेज होते हैं. द डे व्हेन वी कैन सी द होल मून इन द स्काई कॉल्ड फुल मून डे. जिस दिन हम पूरे चांद को देख पाते हैं उसे हम फुल मून डे कहते हैं. ऑन दिस डे द सनलाइट फॉल्स ऑल ओवर द मून. Now, as the moon revolves and changes its position, the part which receives sunlight start to decrease. जैसे जैसे मून आगे की ओर रिवॉल्व करता है तो उसका जो पार्ट है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो कम होता जाता है, और फिर मून का जो अपेयरेंस होता है वो थिनर, पतला होता जाता है. On the 15th day, after a full moon, the moon becomes completely invisible. Full moon के 15 दिन के बाद पूरा चांद जो है वो गायब हो जाता है क्योंकि उसके किसी भी पार्ट पर सन की रोशनी नहीं पड़ती है. एंड इसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून डे. इसको हम न्यू मून डे कहते हैं. द नेक्स्ट डे द मून दैट अपीयर्स इन द स्काई इज कॉल्ड क्रेसेंट मून. उसके दूसरे दिन जो चांद निकलता है उसे हम बोलते हैं क्रेसेंट मून. ठीक है. फ्रॉम दिस डे द मून स्टार्ट्स ग्रोइंग लार्जर अंटिल द 15th डे व्हेन इट रीचेस इट्स फुल शेप. अब इसके बाद ये जो क्रेसेंट मून है वो बिल्कुल पतला सा होता है ऐसे, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब 15 डेज इसके कंप्लीट होते हैं तो फिर से फुल मून डे आपको मिलता है और चांद पूरी तरीके से गोल आपको दिखाई देता है. जब मून की फेज मून की साइज डिक्रीज हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं वैनिंग फेज ऑफ द मून. ठीक है. और जब मून की साइज इंक्रीज हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं वैक्सिंग फेज ऑफ द मून. ब्लू मून जनरली न्यू मून ही होता है और हर मंथ हमें दिखाई देता है. और एट टाइम्स देयर कैन बी टू न्यू मून्स इन अ सिंगल मंथ. द सेकेंड न्यू मून इन अ मंथ इज कॉल्ड अ ब्लू मून. The phases of the moon hold an important in the Indian society and culture as different festivals in India are celebrated depending upon the phases of the moon. Phases of the moon पे ही हम बहुत सारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाली हम न्यू मून डे पर सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक का बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, और शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून. तो ये आप मून के फेजेस पे हमारे फेस्टिवल्स काफ़ी सारे फेस्टिवल डिपेंड करते हैं, तो फेजेस ऑफ मून को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसी तरीके से हम ईद उल फित्र ईद मनाते हैं सेलिब्रेटेड ऑन द डे फॉलोइंग द क्रिसेंट मून. नाउ टॉक अबाउट द सरफेस ऑफ द मून. अगर मून के सरफेस की बात करें तो इट इज़ बैरन एंड ऑल कवर्ड विद डस्ट. ये बिल्कुल बंजर है और सारा जो सरफेस है वो डस्ट से ढका हुआ है. देर आर क्रेटर्स और बाउल शेप कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून. और मून के सरफेस पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर्स. देर आर स्टीप एंड हाई माउंटेन्स प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर ऑन द मून. और काफ़ी सारे स्टीप और काफ़ी ऊँचे ऊँचे आपको पहाड़ भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं. सम ऑफ द माउंटेन्स आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स फाउंड ऑन द अर्थ. कुछ वहाँ के जो पहाड़ हैं वो तो दुनिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उससे भी ये ऊंचे हैं. देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही वाटर है. दोनों ही चीज़ें, एयर एंड वाटर, दोनों ही मून पर एब्सेंट हैं. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं सरफेस ऑफ द मून.
कैन वी हियर साउंड ऑन द मून, क्या हम चांद पर आवाज़ सुन सकते हैं? देर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून, मून पर कोई एटमोसफियर नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा, तो कोई गैसेज नहीं है वहाँ पर. मून दैट कुड एक्ट एज अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, हैंस द एस्ट्रोनॉट ऑफ द मून कैन नॉट हियर ईच अदर. तो वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, ना तो कोई गैसेस कोई प्रेजेंट नहीं है, एटमोसफियर ही नहीं है, तो वहाँ पर आप साउंड को सुन नहीं सकते हैं. तो एस्ट्रोनॉमर्स जो अगर जाते हैं चांद पर, तो वो कैसे एक दूसरे की बात सुनते हैं? दे जनरली यूज साइंस और माइक्रोफोन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो इशारों में वो बात करते हैं या फिर माइक्रोफोन के ज़रिए बात करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून, कौन सबसे पहला एस्ट्रोनॉट था जो मून पर गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग. नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, फॉलोड बाई अनदर एस्ट्रोनॉट एडविन एल्ड्रिन. नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले मून पर गए थे और उसके बाद उन्हीं के साथ गए थे एडविन एल्ड्रिन. कब गए थे? ऑन जुलाई 21st 1969. नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ लूनार इक्लिप्स. लूनार इक्लिप्स क्या होता है? तो लूनार इक्लिप्स मून से रिलेटेड होता है, तो हम इसको स्टडी करेंगे यहीं पर. लूनार इक्लिप्स अकर व्हेन द मून, द अर्थ एंड द सन आर वेरी क्लोजली अलाइंड विद ईच अदर एंड द अर्थ इज़ प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द मून एंड द सन. लूनार इक्लिप्स में क्या होता है? सन, मून और अर्थ एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं चलते चलते, और जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जाती है. हैंस द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स अपॉन द मून. इस वजह से जो अर्थ का शेडो है वो मून पर पड़ने लगता है. और इसलिए लूनार इक्लिप्स में क्या होता है, जो मून है वो वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई है, तो वो दिखाई नहीं देता है. As a result, the moon appears reddish in color during a lunar eclipse. क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट अर्थ तक नहीं जा पाती है, तो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट वो मून तक जाती है, तो इसलिए लूनार इक्लिप्स में जो चांद का कलर हो जाता है वो रेडिश हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लूनार इक्लिप्स को देख सकते हैं कि ये क्या है. देखिए ये सन है, तो सन से ये जो लाइट जा रही है, ठीक है, वो बीच में अर्थ के आ जाने की वजह से मून तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, और जो लाइट अर्थ पे पड़ती है वही रिफ्लेक्ट होकर पहुंच पा रही है मून तक, तो मून जो है वो उतनी ब्राइटली नहीं शाइन कर रहा है जैसा कि सन की रोशनी से ये चमकता है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लूनार इक्लिप्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टार्स. स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज कंपोज्ड ऑफ हॉट गैसेस. स्टार्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि हॉट गैसेस से बनी होती है, मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन. ऑल द स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट. स्टार्स जो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस और एमिट करते हैं. ऑल द स्टार्स आर नॉट द सेम. सारे स्टार एक जैसे नहीं होते हैं, वो उनकी जो ब्राइटनेस है, साइज, कलर, टेम्परेचर सब वेरी करता है. दे आर मैसिव इन साइज, हाउएवर दे अपीयर एज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. ये अब एक्चुअली में साइज़ में काफ़ी मैसिव, यानी कि काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन अर्थ से हमें एक ऐसा पॉइंट दिखाई देते हैं क्योंकि अर्थ से ये काफ़ी दूर होते हैं. दे आर एट अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. स्टार्स हैव अ लाइफ पीरियड. स्टार्स की भी अपनी एक लाइफ पीरियड होती है. दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बॉर्न एंड लिव फॉर 10 मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इवेंचुअली कम टू एन एंड. इनको पैदा होने में लाखों साल लग जाते हैं और ये कितने साल तक मैक्सिमम जिंदा रहते हैं? 10 मिलियंस ईयर्स तक, और फिर एट द एंड ऑफ लाइफ स्पॉन ये ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ यू थिंक हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, सो यू कैन नॉट काउंट. आप काउंट नहीं कर सकते हो. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. यू कैन से देयर आर काउंटलेस स्टार्स प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स. Why do stars twinkle? Stars twinkle क्यों करते हैं? क्योंकि जो stars light को emit करते हैं, वो light जब हमारे earth के surface में enter करती है, तो वो earth में present atmosphere की several layer को cross करके आती है, ठीक है, तो ये जो light है वो zigzag motion show करती है.
क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है वो कहीं पर ज़्यादा डेंस कहीं पर कम डेंस होती है, तो इनकी डेंसिटी क्योंकि वैरी करती है एटमॉस्फेयर में, गैस एटमॉस्फेयरिक लेयर्स की डेंसिटी वैरी करती है, तो जैसे जैसे लाइट एंटर करती है उस एटमॉस्फेयर में वैसे वैसे इसका मोशन जो होता है वो डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका मोशन कैसा हो जाता है, जिगजैग, और इसी वजह से हमें तारे जो हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। वाई सन इज़ अ स्टार, जो हमारा सन है जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है वो भी एक स्टार है, क्योंकि स्टार वही होते हैं जो अपनी खुद की हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हमारा सन भी एक स्टार है। हमारे सन का जो लाइफ स्पैन है वो 10 बिलियन ईयर्स है। ऐसा माना जाता है कि ये इसने 5 बिलियन ईयर्स जो है वो स्पेंड कर दिया है और नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स ये जिंदा रहेगा। नाउ टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द सन डजेंट अपियर एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लाइक अदर स्टार बिकॉज द सन इज़ एट क्लोज डिस्टेंस टू द अर्थ। अगर आप सन को देखते हैं तो बाकी सारे तारों की तरह ये छोटा सा नहीं दिखाई देता है बल्कि काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सन अर्थ से करीब है एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। तो सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट इज़ 15 करोड़ किलोमीटर। द स्टार दैट इज़ क्लोजर टू द अर्थ आफ्टर द सन इज़ कॉल्ड अल्फा सेंचुरी। सन के बाद जो दूसरा अर्थ से करीब स्टार है उसका क्या नाम है, अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज दैट, सो यू कैन सी दिस इज सो मच, ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो बहुत ह्यूज डिस्टेंस है इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो इसको मेज़र करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज़ डिस्क्राइब्ड इन लाइट ईयर। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो बहुत ह्यूज डिस्टेंस होती है, बहुत लंबी दूरी होती है, इसको हम मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उनको हम लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट ईयर एज द नेम सजेस्ट इज़ द टोटल डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर्स टाइम। एक साल के समय में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस 8 लाइट मिनट्स। मतलब कि सन से जो एनर्जी लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, 4.3 लाइट ईयर्स। मतलब कि अगर अल्फा सेंचुरी से लाइट चलती है और अर्थ तक पहुंचना है उसको, तो अर्थ तक पहुंचने में उसको 4 साल और 3 महीने लग जाएंगे। वाई आर स्टार्स इनविजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं, स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट टाइम। जैसे रात में स्टार प्रेजेंट होते हैं वैसे दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि डे टाइम में सन लाइट इज़ सो ब्राइट, सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि हमें स्टार की लाइट जो है वो दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से हमें स्टार्स दिन में दिखाई नहीं देते हालांकि वो प्रेजेंट होते हैं। ना कैन स्टार्स चेंज देयर पोजिशन, क्या स्टार की पोजिशन चेंज होती है, जी नहीं। इफ़ यू ऑब्जर्व अ स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर सम आवर्स देयर पोजिशन अपीयर्स टू चेंज। हमें ऐसा लगता है कि उनकी पोजिशन चेंज हो रही है अगर हम कुछ घंटों तक लगातार स्टार को देखते रहें, लेकिन ऐसा अर्थ के मोशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा अर्थ घूम रहा होता है इस वजह से हमें स्टार्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स खुद नहीं घूम रहे होते बल्कि अर्थ के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से हमें स्टार्स की पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई देती है। तो इसका आंसर है नो, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, आर अर्थ चेंजेस इट्स पोजीशन, दैट्स व्हाई दे अपीयर टू चेंज देयर पोजीशन। ओके,
वाई स्टार्स अपीयर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा क्यों हमें दिखता है कि स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हम देख जिस तरफ हम गाड़ी से चल रहे होते हैं तो पेड़ पौधे जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं वो हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। सेम ऐसा ही हमें स्टार के साथ भी फील होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स एंड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ देयर इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट। हियर आर सम क्वेश्चंस related to the taught topic and you have to do in your practice copy, that is what are celestial bodies? Celestial bodies क्या होती हैं? Why is there no life on the moon? चाँद पर जीवन क्यों नहीं है? What is light year? Light year क्या होता है? And you have to draw the diagram to show different phases of the moon. Different phases of moon को show करता हुआ एक diagram बनाना है। And why does the moon change its shape daily? Moon अपना shape क्यों daily change करता है? So that's all for this video. Thank you.